ये हमारे घर में एक हॉट सॉस बनता है जो कि हम चाइनीज़ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं. अच्छा, इज नॉट अ ट्रेडिशनल वे, लेकिन इससे हम हॉट ऑयल भी इसी का यूज़ कर लेते हैं. सो बहुत सिंपल सा, हल्की आँच पे, बहुत ही धीमी आँच पे इसको आपने कोई 10-15 मिनट पकाना है. हाफ कप ऑयल को उसमें दो आपने बादियान के फूल हैं, दालचीनी है, तेज़पत्ता है और मूँगफली फॉर टेस्ट. अच्छा, बाकी चीज़ें करा के निकाल दें, मूँगफली छोड़ दें और लाल कुटी मिर्चें ये भी आपने डाल देनी इसके अंदर. बहुत हल्की आँच पे, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना जल जाए, काला पड़ जाएगा फिर. और इसी में आपने थोड़ा सा कलर को वाइब्रेंट करने के लिए कश्मीरी मिर्च है वो डाल दें या फिर पेपरिका है वो यूज़ कर लें आप. और थोड़ी देर इसको मज़ीद पकाएं और उसका चूल्हा बंद करके इसको आप छोड़ दें ताकि वो बड़ा अच्छा सा करस में आ जाए. हल्का सा नमक जस्ट फॉर सीजनिंग ताकि खुल जाए, और गार्लिक पाउडर, अच्छा ये ऑप्शनल है, ये डाल के आपने छोड़ देना है इसको. आप चाहें तो यहाँ पर गार्लिक क्रश भी डाल सकते हैं, मेक इट मोर फंकी. बस इसको स्टोर करें और इसके ऑयल को यूज़ करें जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है, और चिली पेस्ट को यूज़ करना है तो चिली पेस्ट. तो इन्जॉय करें इसको और बताएं कैसा लगा आपको.